लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम जो कि हमने पहले डिस्कस किया है कि आइटम फिल रेट जो है उससे बेसिस पर सर्विस लेवल हमारी क्या आ रही है इफ़ यू लुक एट द डेटा वी हैव इन स्टॉक प्रॉबेबिलिटी विच इज़ पी इज इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट एट और इससे कोरिस्पोंडिंग कॉरस्पॉन्डिंग जो जेड की वैल्यू है दैट इज पॉइंट एट फोर ये हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल के अंदर देखना है जो हमने बहुत पहले डिस्कस किया हुआ है उसके अंदर कि ये वैल्यू क्या आती है जेड की वो दरमियान वाले उसके अंदर एरिया के अंदर आपने पॉइंट एट देखना है कि प्रोबेबिलिटी का है फिर उसके लेफ्ट पर लेफ्ट मोस्ट कॉलम पे जाएंगे जेड की वैल्यू एंड टॉप नंबर को देख कर उसमें सम कर देंगे तो ये आपके पास आएगा पॉइंट एट फोर इन दिस केस और फिर हमने लॉस फंक्शन की वैल्यू देखनी है विच इज एट Z इज इक्वल टू पॉइंट एट फोर तो लॉस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है विच इज अगेन टेबल से ये दूसरा टेबल है लॉस फंक्शन का वो जीरो पॉइंट डबल वन टू की वैल्यू आ रही है इसको हमने इन, इन को यूज इसको यूज करना है टू फाइंड द फिल रेट के बेसिस के ऊपर जो सर्विस लेवल है आ, इसके अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं विच इज डिनोटेड बाय एस डी प्राइम दिस इज इक्वल टू क्योंकि हमारे पास वीकली डिमांड की स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है फोर uh, तो उसको हम यूज करेंगे मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ एल टी ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है ये वीकली डिमांड की है और क्योंकि लीड टाइम भी वीकली है तो हमें इसमें इस कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हाँ अगर लीड टाइम डेज में होता तो फिर हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ना था इन वीक्स तो इसके अंदर हम इसको यूज करके 475 सेवन फाइव मल्टीप्लाई बाय स्क्र रूट ऑफ वन तो उसकी वैल्यू जो आ रही है वो 582 आ रही है तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम इज 582 अगर हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी देखें तो इसका वही फॉर्मूला है टू डी एस ओवर आई सी स्क्वेयर रूट तो उसके अंदर जो डी है दैट इज एनुअल डिमांड जबकि हमारे पास इधर जो है वो वीकली uh, डिमांड दी हुई थी 1250 यूनिट्स की वीकली डिमांड तो उसको 52 से मल्टीप्लाई कर कर हमने एनुअल डिमांड कर ली है मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर विच इज 40 डॉलर और इसको हमने डिवाइड किया होल्डिंग कॉस्ट से विच इज पॉइंट मल्टीप्लाई बाय द यूनिट कॉस्ट और परचेज प्राइस Uh, इसको हमने स्क्वायर रूट किया तो हमारे पास आगे है फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स केसेस दैट मीन्स के जो ऑर्डर क्वान्टिटी है जब भी हम ऑर्डर करेंगे तो फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स केसेस का करेंगे नाउ लेट्स फाइंड आउट द आइटम फिल रेट आइटम फिल रेट केिवन सर्विस लेवल इज इक्वल टू वन माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिमांड ड्यूरिंग लीट टाइम मल्टीप्लाई बाय द लॉस फंक्शन एट जेड इज इक्वल टू पॉइंट एट फोर डी ओवर क्यू गि यू द नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर डिवाइडेड बाई डी और इसके अंदर अगर हम ये वैल्यू सब्सिट्यूट करें तो यह आ जाएगा वन माइनस फाइव एटी टू मल्टीप्लाई बाई पॉइंट वन वन टू मल्टीप्लाई बाय द एनुअल डिमांड डिवाइड बाई फाइव फिफ्टी सिक्स एंड डिवाइडेड बाई एनुअल डिमांड अगेन तो टोटल तो वैल्यू आ रही है जीरो पॉइंट डबल एट थ्री आ, अब आप हम देखें तो डबल एट थ्री पॉइंट डबल एट थ्री आ रही है फॉर फिल रेट सर्विस लेवल अगर उसको हम कंसिडर करते हैं जबकि हमारे पास जो आ, इन स्टॉक प्रॉबिलिटी है दैट इज़ पॉइंट ए और इसका वो जो है उससे ज़्यादा है और बेसिकली इसका रीज़न जो है वो ये है कि Uh, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जब तक हम रीऑर्डर पॉइंट पर नहीं पहुँचते इन्वेंट्री डिप्लीट हो रही है जब तक वो रीऑर्डर पॉइंट पर नहीं पहुँचती तो हम स्टॉकआउट नहीं हो सकते इससे पहले तो स्टौ... क्योंकि स्टॉकआउट होने से पहले हमने रीऑर्डर पॉइंट पर पहुँचना हमारा लाजमी है हम री ऑर्डर पॉइंट पर पहुँचेंगे तो हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे जब हमने एक बार ऑर्डर प्लेस कर दिया तो अब डिप्लीशन शुरू हो जाएगी इन लीड टाइम हमने ऑर्डर प्लेस किया है हम कब ऑर्डर रिसीव करते हैं उसके दरमियान जब डिमांड है वो हमने मीट करनी है थ्रू आ, द स्टॉक अब अगर इस दौरान डिमांड एकदम शूट अप करती है तो फिर हम स्टॉक आउट हो सकते हैं तो जो इन स्टॉक प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ लीड टाइम के पीरियड को देखती है उसको कंसिडर करती है और उसके बेस के ऊपर सर्विस लेवल डिटर्मिन करती है जबकि एक्चुअली जो सर्विस लेवल है वो पूरे साइकिल को कंसिडर अगर आप करें तो फिर वो सर्विस लेवल आएगा कि एक्चुअली कस्टमर किस नजर से देख रहा है। कस्टमर देख रहा है पूरे साइकिल को कस्टमर को ये नहीं पता कि इन स्टॉक ड्यूरिंग लीड टाइम क्या है वो पूरे साइकिल को देख रहा है तो उसके अंदर जो वो आ रही है वो पॉइंट एट एट थ्री आ रही है विच इज हायर देन ऑफकोर्स द इन स्टॉक प्रॉबिलिटी ड्यूरिंग लीड टाइम